खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल लेकर आए हैं कुछ खास खबरें, दिखाते हैं विस्तार से। पिड़ावा क्षेत्र के तुमड़ियाखेड़ी गांव में श्री 108 शांतिदास महात्यागी के सानिध्य में चल रही नौ कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण बलराम दांगी ने बताया कि रामलीला के चौथे दिन कथावाचक स्वामी सूरज प्रसाद व्यास श्री धाम वृंदावन वालों ने सीता स्वयंवर राम जानकी विवाह एवं राम वनवास के वृतांत सुनाया, जिस पर रामलीला के पात्रों ने शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। राम वनवास का मंचन देखकर पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भावुक हो गए। रामलीला देखने के लिए आसपास के सभी गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तुमड़ियाखेड़ी पहुंच रहे हैं। ये संत ना होते जगत में, तो लिखा है कि जर जाते संसार, अगर संसार की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे संत बन रहे हैं, जिनकी कृपा सुंदर ऐसी कृपा है हम बच्चों पर, उनकी कृपा से आज जानकी जी के सुंदर चरणों में गुच्छों पर रखते हैं ताकि रात दिन संत का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिले या ना मिले, क्योंकि संत ही तो भगवान का स्वरूप है। बड़ी सुंदर बन रहे, अपनी बच्चों को सब देते हैं, क्योंकि मांगना बंद कर दे। पिड़ावा कस्बे के विश्वकर्मा धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा संबोधित कर गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष सगीर अहमद, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नसरुद्दीन खान, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर, जनपद रणजीत सिंह चौहान, फरीद अहमद मंसूरी, मुकेश मासूम, मान सिंह चौहान, जान मोहम्मद, पार्षद रमेश चंद मेघवाल, असलम हुसैन, नईम टेलर, वीरेंद्र बागवान, नीलेश चेलावत, जमील मंसूरी, बाबू भाई आदि उपस्थित रहे। मंदसौर जिले के शामगढ़ मध्य प्रदेश बसंत पंचमी गुरुवार को कृषि उपज मंडी परिसर में श्री पंच कच्चेलिया क्षत्रिय राठौड़ तेली समाज का द्वितीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। समाज के सेवाभावी समाज जन 3 माह से इस आयोजन की तैयारियों में लगे हुए थे। सम्मेलन में 15,000 समाज सेवकों की उपस्थिति रही। भगवान चार भुजनाथ की बारात चंदवास गेट से आई। तुलसी मैया के धर्म के माता पिता थलपट कन्हैया लाल राठौड़ बने, जिनकी बेटी तुलसी का सम्मेलन में भगवान का हुआ। गुरुवार को राम मंदिर सुवासरा रोड से चल रथ समारोह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 10 बजे बैंड बाजो ढोल धमाकू व दो घोड़े पर समाज जन ध्वज पताका लेकर आगे बग्गी में भगवान चार भुजनाथ, उनके धर्म के माता पिता सत्यनारायण राठौड़ व उनकी पत्नी दूसरी बग्गी में तुलसी मैया के साथ बैठे हुए थे। सभी जोड़ों का भी उनके पीछे पीछे चल समारोह में निकाले गए। सम्मेलन समिति की ओर से अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष राम, सासू जी और ससुर जी आप ही मन पर बता रहे समाज साथी और वहां भी मैंने कहा दोनों के द्वारा समिति की तरफ से संत श्री का शाल और श्रीफल से स्वागत। 2 तारीख के 4 तारीख के बीच में आपको समय मिले और सम्मेलन समिति की ओर से अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष रामदेवर जी और सामुदायिक सम्मेलन के अध्यक्ष उनको सम्मानित कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के कानपुर विधानसभा क्षेत्र में 63 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज चुनाव 2020 के परिणामों में सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच का मतदान के बाद आए परिणामों में से विजेताओं के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के 63 ग्राम पंचायतों में चुनाव परिणाम आने के बाद विजेता सरपंच, उपसरपंच व वार्ड पंच अपने अपने समर्थकों के साथ पंचायत क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला और आमजन का आभार व्यक्त किया। कानपुर कस्बे में समेत बकानी, सारोला, पनवाड़, रटलाई, रिछुआ,
कस्बों में आज विजय जुलूस की धूम रही। ढोल नगाड़ों के साथ युवा महिला थिरकते हुए नजर आए। वहीं समर्थकों ने आतिशबाजी कर कहीं साफा पहनाया तो कहीं शाल उड़ाकर मुंह मीठा भी करवाया। खास बात यह रही कि दर्जनों पंचायतों में निर्विरोध उप सरपंच निर्वाचित होने की खबर सामने आई है। We'll be right back.